इम्फाल में चल रही है 23वां गवर्नर इन्विटेशनल कप 2013, जिसकी तफसीलात अभी हमारे साथ फनो लाइव जुड़ रही है अमीन पोलो, सीनियर रिपोर्टर कारगिल टुडे न्यूज मणिपुर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जुले, नमस्ते, सस्रे काल नाजरीन, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त फिरोज खान साहिल, आपका अपना नया प्रोग्राम हेलो कैटी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट के हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर अमीन पोलो अभी हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पे मौजूद है मणिपुर से, जो यहाँ से करगिल से गए हुए हैं हॉर्स पोलो खेलने के लिए। देखते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं, वहाँ की तफसीलात क्या है और वहाँ पे किस तरह का गेम वहाँ पे खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। तो अमीन साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने पूरे करगिल की तरफ से आप वहाँ पे हॉर्स पोलो रिप्रेजेंट कर रहे हो मणिपुर में। तो अमीन पोलो, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे कि यहाँ से आप गए हो, यहाँ से कितने लोग हैं आपके साथ वहाँ पे जो आप वहाँ पे हॉर्स पोलो खेल रहे हो? जी, पहली बार इसे क्षेत्र लेते हैं, द्रास पोलो टीम के क्षेत्र लेते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स के नाम से वहाँ खेल रहे हैं। अमित साहब, आप हमें ये बताएं कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है? अगर हम करगिल की बात करें तो यहाँ पे काफी ठंडा क्लाइमेट होता है और यहाँ पे आप आराम से खेल लेते हो, और वहाँ पे आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा इस समय। जी, जहाँ तक उनकी बात है तो काफी अच्छा मौसम है यहाँ इम्फाल में, मणिपुर में, क्योंकि यहाँ अभी 25 से 30 टेम्परेचर चल रहा है जो काफी मौसम है खेल के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत दिन के वक्त मौका। अमित साहब, तो आप हमें ये बताएं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अगर हम हमारे काउंसिल की बात करें, वहाँ से कुछ आपको सपोर्ट हुआ है इस वहाँ पे जाने के लिए? सर, अभी 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 तक तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि काउंसिल की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें इतना जरूर मिलेगी। तो अमित साहब, आपको घोड़ों का जुगाड़ कहाँ से हुआ वहाँ पे? यहाँ तो आपके, अगर हम करगिल के घोड़ों की बात करें तो उनकी हाइट काफी छोटी होती है, और वहाँ वो वहाँ पे जाके आपको बहुत मुश्किल पड़ रहा होगा कि इतने ऊंचे ऊंचे घोड़े होते वहाँ पे उनके ऊपर बैठ के खेलना। तो कुल मिला के यहाँ के गोरू में खेलना हमारे लिए एक चैलेंज था। साथ में हम तो यहाँ आईपीएल रूल जो इंडियन पोलो एसोसिएशन का रूल है, इंटरनेशनल पोलो रूल के साथ खेल रहे थे, ये बहुत चीज हमारे लिए चैलेंजेबल था इस हॉल में आने के बाद। अमित साहब, अगर हम आप यहाँ पे करगिल में खेलते थे, लोकल गोल्स के हिसाब से यहाँ पे खेला जाता था, यहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से आप यहाँ पे खेलते थे, और हमें सुनने में आया कि आप वहाँ पे इंटरनेशनल गोल्स के हिसाब से वहाँ पे जो है आजकल गेम्स खेल रहे हैं, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताएं अमित साहब। इसलिए पहली बार हमें काफी मुश्किल से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम पहली बार खेल रहे हैं रूल के साथ, और वो भी बड़े टूर्नामेंट में इम्फाल से, जहाँ पे 15 टीमें जो नेशनल लेवल की बड़ी टीमें जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी खेले हुए हैं, उन टीमों का बाहर से आके खेलना नेचुरली हमारे लिए दबाव ही था, लेकिन पर क्योंकि हमने मुनासिब समझा कि रूल को यहाँ पे सीखे, क्योंकि अगर आपको पोलो में आगे जाके तो आपको ट्रेडिशनल रूल के बगैर आईपीएल रूल को जरूर अपनाना पड़ेगा, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे पूरा जो 2-3 मैच खेले वो आईपीएल रूल के साथ खेले। तो अमीन साहब, हमने सुना है कि आप लोगों ने एक दिन का टूर भी किया है बर्मा का, ये आपका जो एक दिन का ट्रिप रहा है कैसा रहा, इस हवाले से आप हमें कुछ तफसीला से बताएं अमीन साहब। हाँ जी, उसके लिए मैं सबसे पहले वहाँ जो हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन का बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने हमें हमारी टीम को बिल्कुल द्रास की जो टीम को इतने दूर से आने पे, कश्मीर जम्मू कश्मीर से आने पे उन्होंने हमें एक स्पेशल टूर का ऑफर किया, जो बर्मा एंडो एंडो बर्मा म्यांमार का जो फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां तक मोरे जो जगह का नाम है वहां तक लेने के लिए उन्होंने हमें पूरी तीन टीम मार्केट वगैरह घुमा, कुल मिला के एक बहुत बड़ा यू का है, तो हमें इस चीज को के बहाने में देश से बाहर जाने का भी अच्छा मौका मिला। अमीन साहब, अगर हम बात करें तो आपसे अगर 2-3-1 महीना पहले की बात करें तो आप हमें द्रास से भी रिपोर्टिंग करते थे, करगिल से भी रिपोर्टिंग करते थे, और आज पहली बार आप स्टेट लेवल से बाहर हो, मणिपुर से आप हमारे एक लोकल न्यूज चैनल करगिल टुडे के लिए वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा, आपको कैसा लग रहा है अमीन साहब? तमाम लोगों को खुशी होना चाहिए हमारे जो एक परिवार है करगिल टुडे के नाम से, क्योंकि करगिल जो रिपोर्टिंग जो है इम्फाल जिसे जो आप देखेंगे एक्सट्रीम ईस्ट में आप वाकई है, अगर हिंदुस्तान के नशे में अगर आप थोड़ा
देख लेके तो जोहरी का इलाका है वो एक्सट्रीम में है, जो एशिया के तो ये जो इम्फाल जो है वो एक्सट्रीम वेस्ट वेस्ट है। तो कुल मिला के इतना दूर दराज इलाके से कजिन टुडे के लिए रिपोर्टिंग करना ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, वो साथ में नजर टुडे वालों के लिए। तो अमीन साहब, आखिरी सवाल हमारा आपसे, आप जो हमारे जो उभरती हुई जो नई जनरेशन है, जो चाहते हैं कि आपके तरफ खेले, हॉर्स पोलो रिप्रेजेंट करे, वहाँ बाहर जाके नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करे, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस मेरी तमाम यूथ जो लद्दाख के यूथ को जो है यही कहना है कि खासकर जो अगर हमें बहुत अधिक सपोर्ट ले जाना है तो हमें तीन ऐसे इवेंट है या चार ऐसे इवेंट है जिससे हम काफी काम कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा अपना मैंने देखा है उसमें सबसे पहले स्कोप में काफी स्कोप है लद्दाख के लोगों के नौजवानों को जाने के लिए। उसके बाद आपके विंटर सपोर्ट में आज तक की और सुनो की और आपका आज भी टूर्नामेंट में सपोर्ट में जिसमें हम लद्दाख के हर नौजवान लड़का बड़े से बड़े टूर्नामेंट खेल सकता है और उसका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकता है जो जॉब वॉलंटियर भी होगा और बड़े, क्योंकि एक बार जब आगे इंटरनेशनल या नेशनल रिकॉग्नाइज में खेल लेता है तो उसको नौकरी मिलने में भी या कभी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के लिए भी रिजर्वेशन का कोटा होता है। तो कुल मिला के इससे बहुत बड़ा फायदा हम लद्दाख के तमाम नौजवान ले सकते हैं। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पे स्पेशल गुफ्तगू कर रहे थे अमीन पोलो, जो हमारे करगिल टुडे के सीनियर रिपोर्टर हैं, जो इस समय मणिपुर में मौजूद हैं। वो हमें वहाँ की तफसीलात जो है बता रहे थे, वहाँ पे किस तरह का गेम खेला जा रहा है, किस किस्म का क्लाइमेट है वहाँ पे, और हमारी सरकार ने किस किस्म का मदद किया है उन्हें। तो शुक्रिया अमीन साहब, आपने हमारे साथ एक प्यारी गुफ्तगू की। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे अमीन साहब जो अभी हमारे साथ एक स्पेशल गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन, अगर कोई अपने तासुरात या अपने ख्यालात अगर हमारे साथ शेयर करना चाहता हो या बांटना चाहता हो, तो हमारा ईमेल आईडी है news.kargiltoday@gmail.com। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई टेलीफोनिक इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए कैमरा मैन हुसैन आविन खालू और फिरोज़ खान साहिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।